नमस्कार, मैं विनयराज। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो मन क्यों नहीं लगता है, या जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका क्या कारण है। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के थ्रू आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि हम इसके लिए क्या करें और ऐसे कौन से उपाय किए जाएँ ताकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़े। जब भी आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आप ये थोड़ा एनालिसिस करिए कि जब भी वो पढ़ने बैठें तो उनका ध्यान किस तरफ ज़्यादा होता है। अगर वो टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं या उनका मन टीवी की ओर है तो आप घर के वेस्ट साउथ वेस्ट की ओर देखिए। कहीं आपने अपने घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी तो नहीं रखी हुई है, या वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं या उनका ध्यान मोबाइल में ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में या तो मोबाइल चार्ज होता होगा या वहाँ पुराने कोई मोबाइल या गैजेट होंगे। देखिए, घर की वेस्ट साउथ वेस्ट जो दिशा है ये टोटली दिशा एजुकेशन और सेविंग की है। यहीं से हम एजुकेशन को देखते हैं। तो आपके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में जो भी चीज़ रखी होगी वो डायरेक्ट रिलेट करती है पढ़ाई को लेकर। अगर यहाँ पे बच्चों के खिलौने रखे हैं तो बच्चों का ध्यान ज़्यादा खिलौने में जाएगा। अगर टीवी है तो उनका टीवी देखने का बहुत मन करेगा। अगर यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है तो ये दिन भर मोबाइल चलाएंगे। तो ख़ास तौर पे आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में ध्यान दीजिए और यहाँ पे जो भी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, खिलौने, मोबाइल, टीवी या कोई भी अदर चीज़ जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इसको वहाँ से हटाइए और वहाँ पे इनकी किताबें रखिए जो इनके पढ़ाई के लिए रखी जा सकती हैं। जिस भी सब्जेक्ट में इनका इंटरेस्ट कम होता है वो किताबें आप वहाँ पे रखिए और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि इनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उन सब्जेक्टों में जागने लगा है। बच्चों के पढ़ने का सबसे अच्छा जो रूम है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट का या फिर ईस्ट का। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में हम रूम बना लें या ईस्ट में उनको बिठा के पढ़ा पाएँ। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, आप घर में बच्चों को कहीं पर भी पढ़ाइए पर उनका मुंह हमेशा पढ़ते टाइम ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। इस तरफ में मुंह करके पढ़ने से हमारा कंसंट्रेशन और पावर और मेमोरीज बढ़ती है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि बच्चों को कभी भी बिस्तर में बैठ के नहीं पढ़ाना है। जो भी लोग या जो भी बच्चे बिस्तर में बैठ के पढ़ते हैं उनका कभी कंसंट्रेशन लग ही नहीं सकता, क्योंकि बिस्तर में हमेशा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। साथ ही साथ जब हम बिस्तर में बैठते हैं तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, हम बिस्तर में थोड़े अंदर की तरफ घुस जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो लो हो जाता है। तो जब भी आप टेबल या चेयर में बैठ के पढ़ेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी लगभग कुछ हद तक तो सीधी रहेगी, और जब ये सीधी रहेगी तो हमारे चक्र अलाइंड होते हैं, और जब चक्र अलाइंड होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो आप हमेशा जब भी पढ़ाई करें चेयर और टेबल्स में ही करा करिए, कभी भी बिस्तर में बैठ के आपको पढ़ाई नहीं करनी है। बैठ के या लेट के या सोते हुए पढ़ाई नहीं करिए, ऐसा पढ़ने में आपको कभी भी कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगा। एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, और ऐसा तब होता है जब उनके शरीर में कफ का प्रकोप होता है। तो हमारे शरीर में हार्ट से लेकर सिर के ऊपर के हिस्सा कफ का माना जाता है। तो जब भी किसी के बच्चे को कफ का प्रकोप होगा ऐसे लोग पढ़ाई में इरिटेट होने लगेंगे, इनको ज़्यादा गुस्सा आएगा या पढ़ते समय इन्हें नींद आएगी। तो कफ को शांत करने का जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है प्रॉपर नींद लेना। जो भी बच्चे प्रॉपर नींद लेते हैं उनका ऑटोमेटिकली कफ शांत हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि क्या आपका बच्चा सोते समय कोई टेंशन में तो नहीं है, वो सोते समय चौक तो नहीं रहा, या वो प्रॉपर नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा। जो भी बच्चे प्रॉपर नींद लेते होंगे उनका कफ हमेशा संतुलित रहता है, और जब कफ संतुलित रहता है तो उनका कंसंट्रेशन हाई होगा, उनका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। आप एक चीज़ और करिए कि हफ्ते में 3 दिन बच्चों के सिर की मालिश किसी भी तेल से जरूर करिए। मालिश करने से भी कफ संतुलित होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई में मन लगाए, कंसंट्रेट रहे और उसे चीज़ें याद रहें, तो उसके लिए हमें उसका कफ हमेशा संतुलित रखना होगा। और कफ को संतुलित करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सिंपल तरीका है वो है प्रॉपर नींद लेना और सिर की मालिश हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार होते रहना। अब हम आपको एक उपाय बताते हैं। ये उपाय आपको उस दिन करना है जिस दिन बच्चों का एग्ज़ाम है। बच्चे सुबह नहा लें तो उनके हाथ से मंदिर में गणेश जी के सामने एक छोटा सा शुद्ध घी का दीपक जलवा दीजिए, और उन्हीं के हाथ से 4 लौंग गणेश जी के श्रीकमल चरणों में चढ़ा दीजिए, और गणेश जी का बीज मंत्र वो मनी मन में थोड़ी देर बोल लें। बीज मंत्र है ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र को जितनी बार हो सके वो कर लें।
ऐसा करने से भी हमें अपनी परीक्षाओं में सफलताएं मिलती हैं। हमने जो बताया आप इसे तो जरूर करिए, पर एक बात का और भी ध्यान रखिए कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करें या सारे बच्चे टॉप ही आएं। देखिए, जो बच्चे एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो है व्यवहारिकता। जो बच्चों को ये पता होता है कि कब कहाँ किससे कितनी बात करनी है, और जो बच्चे व्यवहार कुशल होते हैं वो जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।